ग्रामीण इलाकों का विकास शहरों की तर्ज पर करने के आज तक के सभी सरकारों के दावे फिसड्डी साबित हुए हैं। आलम यह है कि शहरों के बिल्कुल साथ सटे ग्रामीण इलाकों भी विकसित नहीं हो पाए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के दूरदराज के इलाकों की क्या हालत होगी। बात करें अगर जम्मू की नगरोटा विधानसभा के अधीन आने वाले रगुड़ा इलाके के पलपंड गाँव की, तो यहाँ रहने वाले लोगों को किस दुश्वारी से गुजरना पड़ रहा है ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। आज कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन इस गांव में सालों पहले बनी कच्ची सड़क को पक्का करवाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। ये रोड काफ़ी देर से बना हुआ है, लेकिन है वैसे का वैसे ही कच्चा। इसको कोई नहीं देखता। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में जाना होता है, वहाँ बहुत दिक्कत रहती है। तो कुछ लोग घर से काम के लिए निकलना होता है, बड़ी परेशानी रहती है। बारिश होती है, यहाँ पे रास्ता कोई क्लियर रहता ही नहीं, तो पानी से गुजर के जाना पड़ता है। और ये रास्ता भी ऐसा है, पहाड़ी के ऊपर है, और यहाँ पर बड़ी सारी दिक्कतें रहती हैं हमें। तो इस कारण हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी किसी तरीके से ये क्लियर हो जाए। ये यहाँ के जो जितना गांव है, सब गाँव के परेशानी है, लोगों को सारे परेशान हैं बेचारे। कोई भी आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पे परेशानियाँ होती है, इतने सारा रोड रुड़ गया है, बड़ी परेशानी है। इतने गड्डी शड्डी आती है, सारी स्लिप कर दिया, जाने की ऊपर बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, पानी करने और बरसाती है, सारा रोड रुड़ गया है। ना इतने गड्डी ऊपर जाती है, ना ऊपर थले आती है। ग्रैड पे गड्डी एक्सीडेंट भी हो जाती है, गड़ी गिर जाती है थले। अगर रोड नहीं बने साडा, हूँ जाने साडा सब मुश्किल पेगी। साढ़े बच्चों वास्ते मुश्किल है, बुजुर्गों वास्ते मुश्किल है, जाना थले नहीं जाना। गड्डी नहीं जाती, बुजुर्ग कोई बीमार हो जाए ऊपर, वो वास्ते चुकी लेना पैंदा है।